हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इसी क्रिएटिव कॉर्नर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्लीव्स कट करना सीखेंगे। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोग के साथ में ब्लाउज कैसे कट किया जाता है उसकी वीडियो शेयर की थी, तो आप मेरे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगी, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए इस ब्लाउज की जो स्लीव्स हैं ये हमें 4.25 इंच की चाहिए और जिसकी चौड़ाई का कपड़ा है वो हमें 10 इंच चाहिए, पर इसका कपड़ा काफ़ी कम है तो इसमें हमें जोड़ डालना पड़ेगा। तो जोड़ हम कैसे डालते हैं कि हमारी स्लीव्स भी आ जाए और उनके सेंटर में ये डिज़ाइन भी आ जाए और हमारा जोड़ जो है वो ज़्यादा दिखाई भी ना दे, तो इसके लिए मैं जिस मेथड का यूज़ करती हूँ आज मैं आप लोग के साथ में वही शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसमें ऊपर और नीचे 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के 4 इंच की स्लीव्स कट कर ली है और इसमें हम जोड़ कैसे डालेंगे। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये देखिए हमारे पास दोनों स्लीव्स कट गई हैं और ये हमारा जो कपड़ा है वो 8 इंच आ रहा है, जबकि हमें कपड़ा 10 इंच लंबाई तक चाहिए। तो इसमें हम चारों पार्ट में थोड़ा थोड़ा सा जोड़ डालेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास इतना ही कपड़ा शेष बचा है और इसमें हमें भी डोरी भी बनानी है, डोरी के लटकन बनाने हैं और पाइपिंग भी लगानी है। तो उस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें जोड़ उसी हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले हम डोरी का कपड़ा निकालेंगे। तो ये देखिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं है, थोड़ा ही कपड़ा है और ये लंबाई में 1/2 मीटर से ज़्यादा ही कपड़ा है। तो और हमें डोरी 1/2 इंच की चाहिए होती है, तो हम 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इतना हम कपड़ा कट कर लेंगे। तो इस इतने ही चौड़े कपड़े में हमारी दोनों डोरियाँ आराम से निकल आएंगी और इसके बाद में हम इसके लटकन के लिए जो हमारा साइड का कपड़ा दिए हैं जिसमें डिज़ाइन बनी हुई, तो इसको हम अलग कर लेंगे, इसी में हम दोनों लटकन भी बना लेंगे। और अब हम इतने कपड़े में हमें पाइपिंग निकालनी है और कपड़े में असली में जोड़ डालना है। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम किनारे से देखेंगे कि कितना चौड़ा कपड़ा कट करने से हमारा 10 इंच कपड़ा आ जाएगा। तो देखिए, मैंने कपड़े के ऊपर से रखा है ताकि जो हमारा 1/2 इंच मार्जिन में जाएगा सिलने में तो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो उसको मिलाते हुए हमने इतना कपड़ा कट कर लिया और अब इसको हम यहीं से फोल्ड करके कट करेंगे। तो देखिए हमारे 1 आसिन के दोनों पार्ट निकल आए हैं और ऐसे ही हमें 2 पार्ट और चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि हमारी जो पाइपिंग है उसके लिए कपड़ा कम ना पड़े। तो देखिए, हम इस तरह एक साइड का कपड़ा इधर से और एक साइड के कपड़े को इधर दूसरे साइड से कट करके निकालेंगे। तो इतने बचे हुए कपड़े में हमारी आराम से पाइपिंग भी बन जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास अब चारों जोड़ इकट्ठे हो चुके हैं और इन्हीं को हम उसमें अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम देख लेते हैं कि हमारे पास 10 इंच के अकॉर्डिंग कपड़ा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अब बाकी का काम मशीन पे होगा, तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो दोनों आसीन है वो रखी हैं, ये जो चारों हमने कट कपड़े रखे हैं इनको हमने रख लिया है और सबसे पहले हम 1 आसीन पे कपड़ा लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से करेंगे और कपड़े की राइट साइड से जो हम जोड़ डालेंगे वो कपड़े की राइट साइड से डालेंगे और ये देखिए हम ऊपर से रखेंगे। और कपड़ा, क्योंकि वो जो कपड़ा है हमारा स्लीव्स वाला, वो पूरा फुल कपड़ा है और इसमें नीचे साइड से हमें थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे करके रखेंगे जिससे हमारा कपड़ा इस वाले मेन कपड़े से थोड़ा सा बढ़ के आए, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसे डबल मोड़ना है। और जो स्लीव्स वाला कपड़ा वो सिंगल मोड से ही आ जाए, क्योंकि जो नीचे साइड कपड़ा है वो पक्का कपड़ा है, इसमें कपड़ा उधरने का डर नहीं रहता है। तो इस तरह से हम पहले नाखून से प्रेस कर लेंगे और आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें 1 सिलन भी लगा लीजिए। तो सिलन लगाने से होता है कि कपड़ा हमारा और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, हमने एकदम पतली सिलन इसमें चला ली है और अब हम इसी तरीके से दूसरे साइड भी जोड़ डालेंगे। तो देखिए, एकदम फिनिशिंग के साथ में लग गया। और अब इस साइड में देखिए, कपड़ा हमने सीधा रखा और इसके ऊपर वो जो जोड़ वाला कपड़ा इसको रखा, थोड़ा सा बढ़ा के कपड़ा रखना, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में इस तरह से हम सिलन कर लेंगे और इसके बाद में इसमें दूसरे सिलन भी चला लेंगे, इसको पक्का कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने कर लिया है और इसके बाद में इधर भी हमें नाखून से प्रेस करना है और उसके बाद में इसमें सिलन चला देनी है। तो देखिए, इस तरह से करके हमने दोनों साइड में जोड़ डालिए हैं और अब हम इसे नीचे साइड में फोल्ड करेंगे, जितना एक्स्ट्रा धागा है वो हम कट कर देंगे। और देखिए, इस तरह से हमें इसमें अंदर की साइड में, रॉन्ग साइड में, पहले हमने एक साइड कपड़ा फोल्ड किया और दोबारा फोल्ड, और ये जो स्लीव्स वाला रहता है कपड़ा, इसको भी फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये पक्का कपड़ा है। तो हम इस तरह से इसमें जोड़ डालने के बाद में इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके बाद में हम पूरे में इस तरह से मशीन चला देंगे। और आप चाहें तो इस पर तुरपन भी कर सकते हैं, पर क्योंकि इसमें ज़्यादा कपड़ा मुड़ा हुआ नहीं है तो इसमें मशीन चलाना ही बेटर रहता है। और इसके बाद में 1 सिलन में आप नीचे साइड में और कर सकते हैं, इससे इसमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, इस तरह से हमारी ये स्लीव्स बनके तैयार हो चुकी है और अब हम इसे बीच से फोल्ड करेंगे। और ध्यान रहे कि जहाँ से हमने ये जोड़ डाला वो जोड़ हमारे दोनों पल्ले के बराबर होने चाहिए। और इस तरह से हम अब इसका मेज़र करेंगे। तो देखिए, कपड़े को हमने बराबर रखा है और यहाँ से नाप रहे हैं तो पूरा पूरा हमारा 10 इंच का पार है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 4 इंच रखी है और प्लस इसमें 1/2 इंच हमने ऐड कर दिया है, वो उसमें सिलन में चला जाएगा। और इसके अंदर बराबर में कपड़ा रख के हम इसे
2 इंच और 2.5 इंच तक डाउन करेंगे, तो ये हमने 2.5 इंच डाउन कर लिया है। और इसके बाद में इसमें ऊपर वाले पॉइंट को और जो हमने डाउन किया था उसका जो निशान लगा है उसको स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसमें आस्तीन के जो पैटर्न होते हैं वो बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसमें गहराई देते हुए पूरी आस्तीन बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसका जो मार्किंग होती है वो कर ली है, और अब इसी मार्किंग पे हमें कट करना है। तो इस तरह से कपड़ा कट करने के बाद में देखिए हमारी स्लीव्स कट होके रेडी हो चुकी है। और इसमें देखिए दोनों साइड हमने जोड़ डाला है, और इस तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने कंप्लीट किया है, और उसके बाद में ऊपर कपड़ा रख के बराबर से दोनों पार्ट को कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए हमारी दोनों स्लीव्स कट चुकी हैं, और इसमें हमने साइड से कपड़ा अटैच किया है। और जो जोड़ डालने के बाद में ये सिलन करने पे एकदम नहीं दिखेगा, थोड़ा थोड़ा सा आएगा तो वो हमारे हाथ के नीचे आ जाएगा, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी स्लीव्स बनके तैयार हो जाएंगी। और देखिए इस तरह सिलने के बाद में इस तरह का लुक देगा। सो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको ये स्लीव्स लगाने का स्लीव्स में जोड़ डालने का आइडिया आपको कैसा लगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।